अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास, दिस इज मुख्तार सर। ऑनलाइन क्लासेज ऑफ एफ ई आई आपका खैर मकदम है। आज का जो हमारा टॉपिक है, सिविलाइजिंग द नीड टू एजुकेटिंग द नेशन, तो ये हिंदुस्तान को किस तरह से एजुकेशन सिस्टम में लाया गया, अच्छे एजुकेशन सिस्टम में लाया गया और कौन कौन सी चीज़ें इसके साथ एसोसिएटेड हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलेंगे, चलते लेते हैं सर। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा, ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म वो पहला तरीका था जिसके तहत हिंदुस्तान में एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसमें ईस्ट और वेस्ट दोनों के इस टेक्स्ट को पढ़ा गया और उनको अंडरस्टैंड करके हिंदुस्तान में लोगों को उसी हिसाब से एजुकेशन दी जाने लगी। विलियम जॉन्स सबसे पहला नाम आता है हमारा इस ओरिएंटलिज्म में। ये 1783 में जूनियर जज एट कलकत्ता में अपॉइंट किया गया था। ये वहाँ पर था। ये वाज अ लिंग्विस्ट, फ्रेंच, इंग्लिश, ग्रीक, लैटिन, पर्शियन, अरबिक और ग्रामर, पोइट्री की बहुत सारे ये लैंग्वेजेस को ये समझता था। और इसने स्टडी किया इंडियन टेक्स्ट्स को, लॉज को, फिलॉसफी को, पॉलिटिक्स, मॉरलिटी, अर्थमैटिक, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें ये जो हैं ये पढ़ चुका था और स्टडी करता था। ये देखें विलियम जॉन्स की फोटोग्राफ यहाँ पर है, कितना ज़्यादा ये अच्छा बंदा माना जाता है इस हवाले से। इसके बाद जॉन हेनरी थॉमस जो था, ये कॉलर ब्रूक एंड नेथनल हॉलैंड जो थे, ये दो बंदे थे। इन्होंने एक सोसाइटी बनाई, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और बाद में इन्होंने एक जर्नल भी बेसिकली स्टार्ट किया था जिसको एस्थेटिक रिसर्च का नाम दिया गया। इनका मकसद यही था कि इस ओरिएंटलिस्टिक जो ये लर्निंग थी इसको डेवलप करके हिंदुस्तान में एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया जाए। हेनरी थॉमस, कॉलर ब्रुक एंड नेथनल हेल, ये दोनों की फोटोग्राफ्स यहाँ पर रखी गई हैं। इनका एटीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट था, बहुत अच्छा था, इसको कह सकते हैं कॉलर ब्रुक वगैरह का। कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा रेस्पेक्ट करते थे इंडियन कल्चर का, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे इंडियन सिविलाइजेशन का, और ये चाहते थे द जो लॉस ग्लोरी थी इंडियंस की, इंडियन सिविलाइजेशन की, इनका जो पास्ट है जो बर्बाद हो चुका था आगे आगे जाते जाते, वो इसको वापस मिले, वो इंडियन उसको वापस मिले, वो ग्लोरी इनको वापस मिले। वो कैसे मिल सकती थी? इंडियन लिटरेचर को रीडिस्कवर करने से। तो इन्होंने स्टडी किया टेक्स्ट्स को, हैं रिवील किया उनको, बाद में आइडियाज़, लॉज, हिंदू लॉज, इन सब को इन्होंने पढ़ने की कोशिश की और इनको समझने की कोशिश की, ठीक है। और इन्होंने जो है इंडियन टेक्स्ट्स को रीडिस्कवर किया, डिस्कवर किया, उनकी मीनिंग्स को अंडरस्टैंड किया, ट्रांसलेट किया, हाँ, और जो अच्छी बातें, जो ट्रूथ उनमें छुपा हुआ था वो बाहर निकालने की उन्होंने कोशिश की। एंड थ्रू दिस वे दे वांट टू बेनिफिट द इंडियंस एज वेल एज द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स को तो फ़ायदा मिल ही रहा था क्योंकि उनको हिंदुस्तानियों को समझने का मौका मिल जाता था, और वो इस तरह से भी इनको थोड़ा सा फील करवाना चाहते थे इंडियंस को कि हम आपके लिटरेचर, आपके कुरान, आपके गीता वीता को, इन सब को तो हम डिसरेस्पेक्ट नहीं करते, और वो चाहते थे कि इनके दिल में हमारा एक इमेज बने रहे। नंबर सेकंड, इंडियंस को ये एहसास हो रहा था, लेकिन दूसरे साइड से इंडियंस की जो इंडियंस का जो पास्ट था, बढ़िया पास्ट था, वो उसको समझ पाते क्योंकि उनको तो बिल्कुल नहीं पता था बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में जो उनकी टेक्स्ट्स में लिखी हुई थी। तो इससे क्या हो गया, ये रीडिस्कवर हो गया, इनका जो हेरिटेज था ये रीडिस्कवर हो गया, तो ग्लोरी जो थी पास्ट की वो इनको महसूस होने लगी कि किस तरह से वो हम हुआ करते थे, हमारे एंसेस्टर्स कैसे हुआ करते थे। इस तरह से ब्रिटिशर्स क्या बन जाते हैं, ये गार्डियंस बन जाते हैं इंडियन टेक्स्ट्स के, जो इन्होंने इसके बाद, और इसके साथ साथ तो उसके मास्टर्स भी हो गए, बहुत ज़्यादा जो नॉलेज इन टेक्स्ट्स की थी इंडियंस के ही नहीं, सॉरी ब्रिटिशर्स के ही पास थी। इस तरह से गार्डियंस इसके बन जाते हैं सबसे पहले, क्योंकि इन्होंने इसकी खोज की, इन्होंने कोशिश की उन सारे टेक्स्ट्स को समझने की, ट्रांसलेट करने के हवाले से भी। और जब इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया ओरिएंटलिस्टिक वर्जन ऑफ एजुकेशन, तो इन्होंने मदरसा बनाया सबसे पहले, कब, 1781 में, किधर, कलकत्ता में। इसमें इन्होंने प्रमोट किया किस स्टडी को, अरेबिक स्टडी को, पर्शियन को और इस्लामिक लॉ को। सो इससे आपको पता चलेगा, इस पॉइंट से आपको पता चलेगा कि ये कितना रेस्पेक्ट करते थे इंडियन टेक्स्ट्स को, चाहे वो मुस्लिम था या हिंदुस्तान। इसके बाद इन्होंने हिंदू कॉलेज बनवाया, मैं आगे जाके उसकी फोटोग्राफी आपको दिखाऊंगा, बनारस में इसको बनाया गया था 1791 में, ताकि जो संस्कृत है, एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट जो हैं, इसको अच्छी तरह से वहाँ पर पढ़ा जाए और उसको उसमें जो चेंजेस है या उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो बाहर आ जाए, रिसर्च वगैरह उसके हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें शुरू कर दी, ठीक है सर। लेकिन बाद में ये पॉइंट जो था इनका,
ये ओरिएंटलिस्टिक जो वर्जन या लर्निंग जो थी, ये आगे जाके वक्त के साथ साथ क्रिटिसाइज होने लगे। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स ऐसे थे, वो समझते थे कि ये तो बकवास है, इनका तो ये तरीका ही गलत है, कि इनको पर्शियन पढ़ाओ, अरबिक पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, वो पढ़ाओ, ये गलत तरीका है, हमें क्या करना है, हमें वो चीज़ें इनको देनी है जिससे ये सिविलाइजर बन सके। तो क्रिटिसाइजम जो है इस पॉइंट के साथ होने लगा, और ओरिएंटलिस्टिक जो लर्निंग थी इसमें क्रिटिसिज्म होने लगा, वक्त के साथ साथ वो ज़्यादा डेवलप होता गया। ये देखिए सर, मैंने कहा था हिंदू कॉलेज के यहाँ पर जो बनारस का था, इसकी एक फोटोग्राफ हमने यहाँ पर डाल रखी है, ठीक है सर। इससे आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा ये हायर एजुकेशन के हवाले से ये काम करते थे, ठीक है। ओके, इसके बाद जो क्रिटिसिज्म हुआ उसके पीछे जो कारण था वो ये था कि जो क्रिटिक्स थे वो ये बताते थे कि ईस्ट का जो नॉलेज है, ईस्टर्न नॉलेज जो है, ये फुल ऑफ एरर्स है। 19th सेंचुरी में ये ज़्यादा डेवलप होने लगा ये क्रिटिसिज्म है, अर्ली 19th सेंचुरी में, और ये अनसाइंटिफिक है, इसमें एरर्स ही एरर्स हैं ये, और अनसाइंटिफिक हैं। इस बुनियाद पर ये कहते थे कि ये ईस्ट का जो लिटरेचर है इसको दफा करो, इसको भगाओ इधर से, ठीक है। और मेनी ऑफिशियल्स क्रिटिसाइज ओरिएंटलिज्म एंड ओरिएंटलिस्ट्स हैं। ओरिएंटलिज्म वो तरीका है जिसमें इन पर्शियन वर्शियन हिंदू मुस्लिम लॉज वगैरह को पढ़ाया जाता था, ओरिएंटलिस्ट्स वो थे जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था, तो इनके हवाले से क्रिटिसिज्म बढ़ने लगा। सबसे पहला नाम क्रिटिक्स में कौन था? जेम्स मिल। अरे बाप रे, बड़ा खतरनाक बंदा था। ये कहता था हमें वो चीज़ें इन नेटिव्स को, इंडियंस को नहीं पढ़ानी चाहिए हैं जो ये पढ़ना चाहते थे या जिसकी ये रिस्पेक्ट करते हैं, हमें इनको वो चीज़ देनी है, वो नॉलेज देनी है, वो एजुकेशन देनी है, ठीक है, जिससे ये सिविलाइज्ड बन सके, जो इनके लिए बढ़िया होगी, जो इनके लिए सही होगी। और इनको जो है हमें क्या करना है, एम शुड बी गिवन और टू बी टीच व्हाट वाज प्रैक्टिकल। ये जो पढ़ना चाहते हैं उसको छोड़ो, उसको मत पढ़ाओ इनको, लेकिन जो प्रैक्टिकल है, जो वो एजुकेशन, वो लर्निंग्स, वो टिंग्स जो प्रैक्टिकल फील्ड में चलती हैं, जिनका दमखम है, उसका इशारा किसके तरफ, वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ था, वो पढ़ाओ है, इनको फैमिलियर बनाओ साइंस टेक्नोलॉजी के हवाले से, जो लिटरेचर है वेस्ट का उसके साथ इनको फैमिलियर बनाओ, तब जाके ये आगे जा सकती है ये कौन, ठीक है। सेकंड नाम, जो दूसरा नाम है वो था थॉमस बेबिंगटन मैकले। ओ हो, ये बड़ा ही खतरनाक बंदा था, इसने 2-3 कदम आगे ही जाके क्रिटिसिज्म शुरू करना स्टार्ट कर दिया था। वो क्या कहता था कि इंडियन जो है अनसिविलाइज्ड है, इट इज बेसिकली द वेस्टर्न एजुकेशन विच मेड देम सिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड कौन है, इनको सिविलाइज्ड बनाना है, किस तरह से बनाएंगे, ईस्टर्न नॉलेज तो ये बना नहीं सकती है, कोई भी ईस्टर्न नॉलेज की ब्रांच ऐसी नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस मैकाले, कि जो कंपेयर कर सकती हैं इंग्लिश के साथ या इंग्लैंड की किसी भी नॉलेज के, ब्रांच ऑफ नॉलेज के साथ वो कंपेयर ही नहीं कर सकती, ना यहाँ का मैथ, ना यहाँ का साइंस, एस्ट्रोनॉमी, जितने भी यहाँ के ब्रांच ऑफ नॉलेज हैं वो किसी काम के नहीं है इंग्लैंड में, इंग्लैंड की किसी ब्रांच के साथ वो कंपेयर ही नहीं हो सकते। बाप रे बाप, सुपीरियर कौन है ये और इनकी लैंग्वेजेस, ठीक है। इसके साथ ये जो मैकेले था, और इसने ये भी कहा आगे जाके कि एक सिंगल शेल्फ अच्छे यूरोपियन लाइब्रेरी का बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है उस सारे लिटरेचर से जो इंडिया और अरेबिया का है, यहाँ की गीता, कुरान, यहाँ की हदीस, यहाँ की कथाएं, यहाँ का जितना भी नॉलेज है, लिटरेचर है, वो यूरोप के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकता है, वो गड़बड़ है, वो बकवास है, उसके साथ कंपेयर ही नहीं कर सकता। एंड लुक एट द स्टेटमेंट गिवन बाय द मैकेले, ए सिंगल शेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी इज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। बाप रे बाप, मेंटेलिटी थी वो बंदे की। और इसने ये भी कहा कि वी शुड स्टॉप प्रमोटिंग ओरिएंटल लैंग्वेज, हमें बंद करना चाहिए, मनी जो इसके ऊपर वेस्ट हो रहा है पुराने तरीके के ऊपर वो बंद करना चाहिए। क्या बकवास इंडियन लिटरेचर पढ़ रहे हैं, क्या बकवास अरेबियन लिटरेचर पढ़वा रहे हैं आप इन स्कूलों में या हायर एजुकेशन में बनारस वगैरह में, इसको बंद करो, ये बकवास है, ये सब कुछ फजूल है सर। हमें क्या करना है, हमें इनको इंडियन को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए, बाप रे बाप है, तब जाके सिविलाइज्ड हो सकते हैं। फाइनेस्ट लिटरेचर जो यूरोप का है वो पढ़ा, ये आगे जाएंगे, वरना तो इनका आगे जाने का कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद डेवलपमेंट जो है साइंस में, फिलोसफी में है, उनको इनको फैमिलियर करा उससे,
ये आगे जा आएंगे, अगर इनको इन चीज़ों के हवाले से अवेयर नहीं करवाया गया, फेमिलियर नहीं करवाया गया, तब तो ये कौम आगे जाने वाली नहीं है। इस हवाले से मैकेलीज मिनट्स एजुकेशन जो था, इसका जो मैकेलीज मिनट्स बाद में कहा, इसका एक पॉइंट जो थे उनको मैकेलीज मिनट्स कहा गया। इसके बाद एक एक्ट बनाया गया एजुकेशन के हवाले, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट बनाया गया 1835 में, ठीक है। इस एक्ट के हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ मीडियम बनाया गया, कहाँ पर? हायर एजुकेशन में। ओरिएंटलिस्टिक जो इंस्टीट्यूशन थे इनको प्रमोट करना बंद करवा दिया गया। कलकत्ता, मद्रास वगैरह जो थे, ये बनारस कॉलेज हैं, इनके अंदर जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है इंस्टीट्यूशन, इनको जो है प्रमोशन जो थी बंद करवा दी गई। और ये चाहते थे कि ऐसे जगहें, कॉलेजेस या मदरसा जहाँ पर ओरिएंटलिस्टिक वर्जन ऑफ एजुकेशन चलाए जा रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए। ये बकवास है, इसके ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। थॉमस ये बेबिंगटन मैकेली हैं, इसकी फोटोग्राफ हमने यहाँ पर दी हैं आप।